न्यूट्रिशन वीक डे 7 और आज हमारा टॉपिक है फैट लॉस और वेट लॉस के बारे में, जिसके बारे में आप काफ़ी देर से वेट कर रहे थे कि फैट लॉस की या वेट लॉस की क्या टिप्स हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बता दूं कि वेट लॉस जो है वो आप मसल लॉस करके भी कर सकते हो, लेकिन फैट लॉस का मतलब होता है जिसमें आपकी बॉडी टोनिंग पे जाती है, आपकी मसल्स गेन करती हैं और आपका सिर्फ फैट लॉस होता है। सो आज हमारे पास लाइव एग्जाम्पल है हरसिमरन फॉर फैट लॉस के बारे में, और साथ ही साथ में है पूनम जी जिन्होंने बहुत सारी रिकवरी की है और इन सब के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हरसिमरन, आप प्लीज़ बताइए कैसी जर्नी रही, और फिर मैं आपको देने वाली हूँ टिप्स, तो जस्ट भी अभी आप देखते रहिए वीडियो। यस, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 1 मंथ बैक यहाँ से। एक्चुअली मेरी वेडिंग है दिसंबर में, सो आई वॉज वेरी कंसर्न ओनली अबाउट द फैट लॉस, बिकॉज मैं हमेशा जो वेट है वो मुझे पता ही नहीं चलता था कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो मुझे यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा नॉलेज हुई कि क्या हम छोटे छोटे चेंजेस अपने डाइट में कर सकते हैं जिससे हमें फैट लॉस में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज मेरा 8 kg रिड्यूस हो गया, बस वो छोटे छोटे चेंजेस ही अपने डाइट में करके, जैसे मैंने रॉ वेजिटेबल खाना, वाटर इनटेक ज़्यादा करना, वो सारा मैम से इनके डाइट्स के थ्रू मैंने सीखा। यस, मैं आपको बता दूँ 6 अगस्त को हरसिमरन ने हमें ज्वाइन किया था 66.3 पे विद 19% ऑफ बॉडी फैट, और आज आई एम सो ग्लैड कि 7 सितंबर को आज इनका जो हमारे पास वेट आ रहा है वो 58.8 आ रहा है और बॉडी फैट जो है वो 14% पे आ चुका है। एंड अलॉन्ग विद दैट, नॉट ओनली दिस, इनका इंच लॉस में बहुत अच्छा रिडक्शन आया है। और प्री वेडिंग के टाइमिंग पे तो काफ़ी चीज़ें होती हैं कि हम देखते हैं कि बॉडी टोनिंग पे हो, लहंगा में फिट आ जाएं, तो इसके लिए हमने कोई स्टार्विंग नहीं करना है। उसके लिए बेस्ट टिप ये रहती है कि आप अपनी बॉडी को एक टाइम मैनेजमेंट रखिए, पोषण का ध्यान रखिए। और क्या क्या टिप्स हैं, डाइटरी टिप्स, पहला है कि आप इसमें मेथी, जीरा, सौंफ और अजवाइन का पानी ले सकते हैं, बट कई बार डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का वार्म नेचर होता है तो वो चीज़ें सूट नहीं करती हैं, तो यू नीड टू लुक फॉर दैट कि उसमें ठंडी एंड गर्म चीज़ों का मिक्सचर हो। सेकेंड इज़ अबाउट हैविंग मोर ऑफ रॉ फूड देन द कुक्ड मील। वाई? क्योंकि रॉ फूड से एक तो वो फिलिंग हो जाती है और आपकी बॉडी जो है वो फिलर होने की वजह से आप अननेसेसरली मंचिंग नहीं करते हो, एक नेगेटिव कैलोरी फूड हमारे सैलड्स में आ जाता है। और तीसरी बात आती है कि इसमें हमने पानी का इंटेक जो है वो हर मील से आधे घंटे पहले, आधे घंटे बाद लेना होता है। इसमें कंकॉक्शन लाइक लेमन वाटर, अजवाइन वाटर, जिंजर टर्मरिक, ब्लैक पेपर कंकॉक्शन, ये काफ़ी हेल्प कर देते हैं। एंड इसी के साथ साथ अपनी बॉडी की मूवमेंट खाना खाने के बाद रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो पूनम जी, आप बताइए आपका कैसे रहा पूरा जर्नी, आपने मतलब आपकी तो नींद बहुत अच्छी रिकवर हुई है, स्लीपिंग पिल्स हमारी बंद हुई हैं, क्या कैसे रहा फिर ये सब? मैं तो कुछ बता ही नहीं सकती कि मेरी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आई हैं। मैं 20 साल से शुगर में पहले तो जूझ रही थी, मेरी शुगर जो है बिल्कुल ठीक हो गई है, बिल्कुल ठीक है, मैंने आज भी टेस्ट करवाया है, मेरी शुगर ठीक है। और दूसरा, मेरे को नींद नहीं आती थी, 20 साल से मैं पिल्स ले रही थी 15 mg की, जो कि मैंने बिल्कुल छोड़ दी है और मैं बिल्कुल नॉर्मल नींद ले रही थी और फ्रेश होती हूँ। बहुत ही अच्छा मेरा प्राइस में, और मेरा वेट भी लूज़ हुआ है, काफ़ी वेट लूज़ हुआ है मेरा, 6 kg हुआ मेरा। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हेल्दी फील करती हूँ, और आगे पता नहीं क्या क्या होने वाला है मेरे साथ, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू लवलीन, थैंक यू, आपने मेरा चेंज कर दिया, लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया। थैंक यू फॉर बींग अ मोटिवेशन टू लॉट ऑफ पीपल, होप आपको ये सुन रहा होगा। वेल, ये मैं सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, जब तक आप के अंदर आप कमिटमेंट के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, या आपको लगता है कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सकती हैं, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे डेफिनेटली वो चीज़ें चेंजेस हो सकते हैं। सो डाइटेड टिप्स में आप ये एक और चीज़ मैं इसके साथ ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि कई लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि सिर्फ हम स्टार्व करके या खाना कम करके जो है वो हमें फैट लॉस हो जाएगा। हमें खाने का ध्यान सिर्फ इतना रखना होता है कि आप कितने टाइम पे कितना खा रहे हो। तो अगर आप ग्लूटेन का इंटेक, वीट का इंटेक कम करते हैं, और हमारे बहुत सारे आटाज हैं जैसे कि जौ का आटा, ज्वार का आटा, रागी का आटा, इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं डाइट में। और ये आटे की रेशियो जो है वो डिपेंड करती है बॉडी टू बॉडी, बिकॉज कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, सो यू नीड टू बी केयरफुल कि वो कितना परसेंटेज ऑफ आटा जो है वो यूज़ कर रहे हैं। और अनहेल्दी मंचिंग लाइक बिस्किट, नमकीन, रस, इनकी बजाय अगर आप मखाना, चनास, पीनट्स, ये मंचिंग को ऑप्ट करते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होता है। और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपकी बॉडी की क्रेविंग्स खत्म हो जाती हैं। तो रॉ फूड को ज़्यादा इंक्लूड करने के लिए हम प्रेफर करते हैं कि आप 12 नून तक जो है वो 12 बजे तक आप अच्छा रॉ फूड खाइए हफ्ते में 2 दिन, और उसके बाद अपना कुक्ड मील जो है वो स्टार्ट कीजिए। तो आपकी बॉडी की जब वो एक्सेप्टेंस लेवल होनी स्टार्ट हो जाती है, तो आपको खाना एज एंटरटेनमेंट नहीं दिखता है, खाना आपको लगता है कि इज अ सोर्स ऑफ फ्यूल, जिससे आपको एनर्जी मिलने वाली है, जिससे आपको नींद अच्छी आती है, जिसको आपको लगता है कि आप
यू फील हैप्पी अबाउट योर सेल्फ एंड यू फील हैप्पी कि आप जो खा रहे हैं उससे आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट दिखता है आसपास में एंड आप अच्छी बातें भी करते हो पॉजिटिवली सोचते भी हो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डाइटरी टिप्स. मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ. हैविंग कंकॉक्शंस लाइक मेथी, जीरा, सौंफ, अजवैन और जिंजर, टर्मरिक, ब्लैक पेपर और अजवैन वाला पानी और लेमन वाटर, वेजिटेबल जूसेस, ये सब कंकॉक्शंस, ये सब ड्रिंक्स जो हैं वो फैट लॉस में हेल्प करती हैं अगर हम इसको टाइमली लें. सेकेंडली, रॉ फूड का इंटेक ज़्यादा लेना एज कम्पेयर टू कुकड मील, लेकिन रॉ फूड को हमेशा खाने से आधे घंटे पहले इंक्लूड करना. तीसरा, ग्लूटेन का इंटेक जो वो थोड़ा कम करके मिलेट्स का इंटेक ज़्यादा रखना. अलॉन्ग विद डैट, खाना खाने के बाद मूवमेंट रखना, क्लोव, छोटी इलायची, लेमन, इस तरह की चीज़ें खाना खाने के बाद देना ताकि आपकी डाइजेशन जो है वो अच्छी हो सके. अलॉन्ग विद डैट, आपका अगर आप प्रीबायोटिक फॉर्म में, जैसे कि आप इसबगोल ऐड ऑन कर सकते हो जिससे आपका अंदर का इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा रहता है. प्रोबायोटिक्स को इंक्लूड करना, कर्ड को इंक्लूड करना आपकी डाइट में. अगर आप पूरे दिन में 3 टाइम खाना खा रहे हो तो हर मील से पहले प्री मील में अपना रॉ फूड में लाइक फ्रूट, नट्स एंड सीड्स का इंटेक लेना, जिससे ओमेगा 3 रिच चीज़ें आपको मिल जाती हैं, मैग्नीशियम मिल जाता है, जिससे आपका फैट लॉस होता है. और साथ ही साथ में आपका ये सब चीज़ें तब वर्क करती हैं जब आपकी नींद अच्छी हो, जब आपका स्ट्रेस कम से कम हो, जब आप पूरा दिन में गैजेट्स का यूज़ ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, जब आपकी च्यूइंग जो है वो बहुत स्लोली चल रही होती है. इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन से रिजल्ट आता है विच इज़ बेस्ड ऑन होलिस्टिक अप्रोच, नॉट ओनली विद डाइट. सो डाइट एक हेल्पिंग हैंड है, अपने आप में सोल्यूशन नहीं है. डाइट के साथ साथ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप दूसरी चीज़ों के ऊपर भी फोकस करें. और ये चीज़ें तो हम हर वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि यू नीड टू मेक अ बेस, पहले बेस बनेगा तब आपकी बिल्डिंग जो है वो अच्छी खड़ी हो सकती है. सो थैंक यू सो मच हरसिमरन एंड पूनम जी, थैंक यू सो मच फॉर बींग ओवर हियर. और आपने सबको मोटिवेट किया उसके लिए थैंक यू सो मच. कुछ बताया नहीं आपको और कुछ, इतने टाइम पे इतना ही कर दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एंड होप दिस मोटिवेट ऑल द पीपल ओवर देयर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड वन मोर थिंग, ये अभी के लिए वीडियो आपका ये लास्ट वीडियो था न्यूट्रिशन वीक का, एंड मैं उदो तक लाइव नहीं होना जब तक उसे इंप्लीमेंट नहीं कर दे. एंड वैन आई गेट योर मैसेजेस इन इनबॉक्स, येस वी आर इंप्लीमेंटिंग एंड वी आर गेटिंग द रिजल्ट्स, वी आर गेटिंग ऑल दोज बेनिफिट्स, तो डेफिनेटली फिर नेक्स्ट टाइम तभी लाइव होगी डाइटिशियन द प्लेन. सो थैंक यू सो मच एंड कीप शेयरिंग. बाय बाय. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू.